गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जाना था फ्रिक्शन के बारे में। हम कई सारी बातें फ्रिक्शन के बारे में जान चुके हैं। ये एक अपोजिंग फोर्स होती है जो कि आती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो अपोजिशन का ही वर्क करती है, उसका मेन काम अपोजिशन होता है। व्हाट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द नेसेसरी इविल। हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इविल भी है। इविल इसलिए क्योंकि ये हमारी लॉट ऑफ एनर्जी को वेस्ट कर देता है, और साथ ही साथ फ्रिक्शन के कई सारे एडवांटेज भी होते हैं, इसलिए हमारे लिए अच्छा भी है और साथ ही साथ बुरा भी है, क्योंकि ये हमारी कई सारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है और हमारे कई सारे सस्पेंस को फ्रिक्शन की वजह से टूट जाते हैं। कई सारे सस्पेंस या मशीन के पार्ट जो होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टूट जाते हैं, तो इस तरीके से फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो इस तरीके फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन नेसेसरी इविल होता है। हम पहले एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एडवांटेज। फर्स्ट, वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। हमारे लिए एक वॉक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा अगर फ्रिक्शन ना हो। वी आर अनेबल टू वॉक, जब हम वॉक करते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू बी मूव, ऐसी कंडीशन में हम अपने फुट को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और फुट को जब हम पुश करते हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, और जिसके कारण थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब एक बैकवर्ड पुश करते हैं तो फॉरवर्ड पुश मिलता है। तो इस तरीके से हमारा पैर मोशन करता है। इसके अंदर भी फ्रिक्शनल फोर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना फ्रिक्शन के कोई पर्सन वॉक नहीं कर सकता, तो फॉर वॉकिंग फ्रिक्शन इज नेसेसरी। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज नेसेसरी स्टिक टू बॉडीज। दो बॉडीज के चिपकने के लिए, दो बॉडी आपस में क्लिंग हो जाएं, आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाएं, इसके लिए भी बहुत जरूरी होता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करे। जब फ्रिक्शनल फोर्स होती है उन दोनों को आपस पकड़ के रखती है, जब उन्हें छुड़ाते हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स में एक्सपीरियंस होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बिना दो बॉडी स्टिक भी नहीं हो सकती, और फ्रिक्शनल फोर्स को खत्म कर दें तो दो बॉडी स्टिक भी नहीं होंगी, दो बॉडी आपस में चिपकेंगी भी नहीं। नेक्स्ट, टू अप्लाई ब्रेक। थर्ड, टू अप्लाई ब्रेक इन अ व्हीकल फ्रिक्शन इज नेसेसरी। ब्रेक लगाने के लिए फ्रिक्शन नेसेसरी होता है। अगर हम ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें
फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में कोई भी वर्क करें, कितना भी हम फोर्स लगा लें, हमारा व्हीकल रुकेगा नहीं। फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू अप्लाई ब्रेक। इसी तरीके से नेक्स्ट टू टाइट नहीं फ्रिक्शन हेल्प इन टाइटिंग द नट एंड बोल्ट्स। नट और बोल्ट जो होती हैं, जिन बोल्ट्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइट करते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। जब वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से वो टाइट हो जाता है और उसे ओपन कर पाना आसान नहीं होता। वो दोनों आपस में क्लिंक कर जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो टाइट भी नहीं होगा, वो आपस में बैंड भी नहीं हो पाएगा। फिफ्थ, फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू राइट ऑन बोर्ड और पेपर। पेपर पे या बोर्ड पर जब हम लिखते हैं, when we are going to write on board or paper, friction is necessary. अगर friction ना हो, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं या पेन से लिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर friction work ना करे, friction ना हो, तो हमारी बॉडी में मोशन नहीं आएगा। बॉडी हमारी जो है, या बॉडी क्या बोलें, जो बोर्ड पे हम लिख नहीं सकते, पेपर पे हम लिख नहीं सकते। इन सिमिलर मैनर क्लीनिंग विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, Cleaning with the help of sandpaper is not possible. Cleaning with the help of sandpaper is not possible in absence of friction. अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम सैंड पेपर की मदद से सफाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो हैं हम कर पाते हैं बिकॉज फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसलिए ये सारे हम काम कर पाते हैं। देयर इज ऑल्सो सम डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेज Disadvantage of friction, पहला, it reduces the lifetime of machines और सब्सटेंसेस। फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी मशीन्स होती हैं उनमें कंटिन्यूअस बियरिंग एंड टियरिंग, बियर एंड टियर देखने को मिलता है, टूटना कटना देखने को मिलता रहता है। और इसकी वजह से जो हमारी मशीन्स होती हैं उनकी लाइफ टाइम में भी कमी आ जाती है। देयर इज रिडक्शन इन द लैब टाइम ऑफ द मशीन। मशीन की लैब टाइम में भी इंक्रीज डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क, शुड बी डन
टू ओवरकम फ्रॉम द फ्रिक्शन. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ता है टू ओवरकम फ्रॉम द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से ओवरकम होने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क भी करना पड़ता है. तो ये भी हमारे लिए फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो सकती है, होती है. ये हमारे पास डिसएडवांटेज रहते हैं. अनदर थिंग इज थर्ड, फ्रिक्शन लीड टू हीट एंड नॉइसी साउंड. फ्रिक्शन जो होता है हीट प्रोड्यूस करता है, नॉइसी साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे फ्रिक्शन होता है तो नॉइसी साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस नहीं होता. और जो हमारी मशीन्स होती हैं उनके भी लैब टाइम कम हो जाता है. और हीट एंड नॉइस हमें हमारी बॉडी हमारी साउंड के लिए भी अच्छा नहीं होता, और जिस एरिया में लोग काम पर्सन काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये अच्छा नहीं होता है कि अगर हीट और नॉइसी साउंड प्रोड्यूस हो. तो हमने क्या देखा कि हमारे पास फ्रिक्शन के कई सारे एडवांटेज भी हैं और कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं. तो इसीलिए हमने फ्रिक्शन को बोला फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. तो फ्रिक्शन जो होता है हमारे लिए एक नेसेसरी इविल रहता है. तो वो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मेथड होते हैं जिनकी मदद से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. वो कौन कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. तो पहला है बाय पॉलिशिंग. हम सरफेस को पॉलिश करके उसे स्मूथ बना सकते हैं. वाई पॉलिशिंग सरफेस. जो सरफेस होती है वो स्मूथ हो जाती है, और स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन डिक्रीजेस, फ्रिक्शन गेट डिक्रीजेस, फ्रिक्शन हमारे लिए डिक्रीज हो जाता है. पॉलिश करने से सरफेस स्मूथ होती है और फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है. सेकेंड, वाई यूजिंग लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट्स का यूज करके भी, जैसे मशीन में हम ऑयल का यूज करते हैं, या फिर बड़ी बड़ी मशीन होती हैं उनमें ऑयल या ग्रीस का यूज करते हैं, इन सब का यूज करके ऑयल ग्रीस ईटीसी इन सब का यूज करके हम फ्रिक्शन को अप टू सम एक्सटेंट रिड्यूस कर सकते हैं. वी आर एबल टू रिड्यूस फ्रिक्शन अप टू सम एक्सटेंट. थर्ड, वाई स्ट्रीमलाइंस सेव. जब हम एक बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना देते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ बॉडी स्ट्रीमलाइन, तो उसके अंदर फ्रिक्शन जो होता है रिड्यूस हो जाता है. वो किस प्रकार से, अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इस तरीके का शेप बना रहे हैं और एक ये शेप है, अब यहाँ पर जो एयर है, एयर आ रही है, तो इसे इतनी एरिया में इसे एयर का फ्रिक्शन देखने को मिलेगा. एयर इतनी एरिया में से फ्रिक्शन देगी, जो कि उसके लिए बेयर कर पाना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर इस तरीके का सरफेस हो तो एयर को वो चीरते हुए बड़े आराम से
निकलता चला जाएगा। तो इस तरीके से फ्रिक्शन जो उसे महसूस करना पड़ेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्ट्रीमलाइन शेप जो होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। थर्ड, विद द हेल्प ऑफ बॉल बियरिंग्स। फोर्थ इज विद द हेल्प ऑफ बॉल बियरिंग, विद द हेल्प ऑफ बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग की हेल्प से। बॉल बियरिंग की कंडीशन में हम यहां देखेंगे कि हमारे पास एक बॉल बियरिंग है तो इस तरीके का, ये हमारे पास एक बॉल बियरिंग है। इस तरीके से ये हमारे पास एक, और इसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर है। ये दो सिलेंडर्स हैं, दी आर टू सिलेंडर आर गोइंग टू बी हैव, ये दो सिलेंडर्स हैं हमारे पास। नाउ यहां पे देयर आर सम बॉल्स दैट आर गोइंग टू बी हैव लाइक दैट इस तरीके से स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये हमारे पास बॉल बेयरिंग का स्ट्रक्चर है। तो लेट अस सेट ए, ए में जब हमारे इस तरीके से रोटेट करता है बॉडी, तो सारे फ्रिक्शन सारे जो हमारे बॉडीज हैं वो इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देती हैं, और बॉल बेयरिंग की मदद से हम बड़ी से बड़े ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से रोटेट करा लेते हैं। हम सभी लोगों ने ये देखा है, ये एक सिलेंडर, उसके ऊपर बड़ा सिलेंडर, और इनके बीच में बॉल्स होती हैं, और इन बॉल्स को लेकर के हम रोल करा लेते हैं बड़े आसानी से। तो ये सारी बातें हमने आज जानी फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। तो आज हमने जाना फ्रिक्शन नेसेसरी इविल है, क्योंकि ये हमारे पास कई सारी एडवांटेज देता है और कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं हमारे पास। एडवांटेज हमने बताया था कि फ्रिक्शन हमें वॉकिंग करने में हेल्प करता है, बिना फ्रिक्शन के हम वॉक नहीं कर सकते। फ्रिक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टिक कराने में हेल्प करता है, बिना फ्रिक्शन के दो ऑब्जेक्ट स्टिक नहीं हो सकते। ब्रेक अप्लाई करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है, एंड साथ ही साथ फ्रिक्शन जो होता है नट और बोल्ट को टाइट रखने में भी हेल्पफुल है। फ्रिक्शन जो होता है चौक चौक से बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए, पेंसिल लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और क्लीनिंग विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर भी जो होती है फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल होती है। साथ ही एडहेसिव फोर्स जो होती है, एडहेसिव फोर्स जो लगती है उनमें भी फ्रिक्शनल फोर्स का इंपोर्टेंस होता है। इसके एडवांटेज हम के बाद हम डिसएडवांटेज बताए थे कि
ये जो होता है सबसे का लैप टाइम को रिड्यूस कर देता है, और बियरिंग एंड टियरिंग जो होती है मशीन के पास में, वो उसे रिड्यूस कर लैप टाइम को रिड्यूस करने में सपोर्ट देती हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ता है फ्रिक्शन की वजह से, जिसके कारण हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और एनर्जी वेस्ट होती है। एंड फ्रिक्शन जो होता है हीट और नॉइजी साउंड भी लीड करता है, जो कि किसी को अच्छी नहीं लगती। तो हमने इसके बाद बताया था कि कुछ मेथड हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय पॉलिशिंग। जब हम सरफेस को पॉलिश करते हैं तो स्मूथ सरफेस जो होती है उससे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। वाई यूजिंग लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस का यूज करके हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। वाई स्टीम लैंड सेप, स्टीम लैंड सेप की मदद से भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड बाई यूजिंग बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग की मदद से भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट। साथ ही साथ हम नेचर ऑफ मेटेरियल का भी ध्यान रखते हैं वाइल टेक चेकिंग द फ्रिक्शन, कि हमें फ्रिक्शन कितना चाहिए उसकी कंडीशन में। हम नेचर ऑफ मेटेरियल भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो नोट इट डाउन।